नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं आचार्य अनिल जी स्वभूति ज्योतिष घराने से, और इनको मैं पिछले 5 साल से जानता हूँ, और जब से ये मेरी ज़िंदगी में आए हैं मेरे पर्सनल जीवन में बहुत ही ज़्यादा चेंज आया है। इन्होंने पीछे कुछ प्रेडिक्शंस किए थे इलेक्शन से पहले कि नरेंद्र मोदी जी का क्या रोल रहेगा भारत की राजनीति में, कैसे हम लोग आगे अग्रसर होंगे, कितनी सीट्स बीजेपी जीतेगी, कितनी सीट्स NDA जीतेगी, और हमारे देश का भविष्य क्या है। आइए आज इनसे जानते हैं कि क्योंकि अब इलेक्शंस पूरे हो चुके हैं, आगे हमारे देश के बारे में क्या रखा हुआ है, देश के फ्यूचर के बारे में क्या रखा हुआ है, और इनकी क्या प्रेडिक्शन है कि मोदी जी हमारे देश को किस दिशा और दशा में आगे लेकर के जाएंगे। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार राजीव जी। तो आपसे कुछ समय पहले बात हुई थी, आपने बताया कि बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी और कैसा हमारा भविष्य रहने वाला है। अब जबकि इलेक्शन पूरे हो चुके हैं, अब आपके बाद अब आप क्या कहना चाहेंगे कि देश के फ्यूचर के बारे में क्या रखा हुआ है और क्या हमारा देश आगे बढ़ेगा। आपको जिस क्वेश्चन को रख रहे हो, मुझे लगता है आज की डेट में जितने भी असलोज आए सब इसी पर फोकस लगा के बैठे कि होना वाला क्या है। जी बिल्कुल। और सबसे चलने वाला क्वेश्चन आज की डेट में ये है, पहली बार भारत में देखने को मौका मिला कि जो यंगस्टर अपने फ्यूचर को लेके चिंतित रहता था, आज वो देश के भविष्य के बारे में जान रहा है। तो ये एक तरह से देखा जाए बहुत बड़ा चेंज है हिंदुस्तान के लिए। वो चेंज ही नहीं है, ये महाचेंज है, ये परिवर्तन की आंधी है जो हर दिलो दिमाग पर छा गई है। जब 12-13 में जब इनका आने का जब दिल्ली में नियुक्त हुए, तो उस वक्त मैंने थोड़ा सा ध्यान किया तो मुझे समझ में आया कि ये व्यक्ति 2014 में तो जीतेंगे, 2019 में भी जीतेंगे, 2014 से ज्यादा समर्थन लेके जीतेंगे, एक सत्र एक बार में जीतेंगे, और 2024 में तो इतना बड़ा जन आंदोलन तैयार हो जाएगा, जनादेश इनके पास होगा कि विश्व देखेगा जी। ये वो व्यक्ति है जो मानक बना जाएंगे, उसके लिए सामने वाले को दूसरे को आने के लिए सदियां लग जाती है। ये वो व्यक्ति है, मेरी बात यकीन से मानो, जब 2014-15 में अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे, आज दुनिया का आदमी, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े जो देश हैं उनका बच्चा हमारे देश में अपना भविष्य अजमाने आएगा, ये भी बात निश्चित है। ये देश ऐसे आदमी के हाथ में चला गया जिसने जीवन खपा के, अपने आप को गला के, सड़ा कर, पूरी तपा के इस गद्दी पे आके बैठा, जिसने मनसा वाचा कर्मा तीनों तरफ से अपने एक ही जैसा हो, जो बोला सो करा, बहुत बड़ा हुआ है। हमारे देश की समस्या है, जब जब युग पुरुष आए, बड़े बड़े लोग आए, जितने भी अध्यात्म उनके नाम लो तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन समझा किसी ने नहीं, समझा जब उनके जब माला पहनने के टाइम आए, ये सच मायने में युग पुरुष है और वो परिवर्तन देने वाला है कि शायद विश्व इसको समझेगा। जी बिल्कुल, हम ये चीज देखते आ रहे हैं कि जब से इलेक्शन खत्म हुए हैं, 353 सीट्स बीजेपी और अलायंस जीती है और 303 सीटें बीजेपी अकेले जीत करके आई है इस बारी। यहाँ तक कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भी आज अपने भाषण में लिखा है कि भारत एक भाग्यशाली देश है जिनके पास मोदी जैसे राजनेता है। तो राजनीति और राष्ट्रनीति, राजनीति रही नहीं ना, लोग आज भी इलेक्शन जो 2014 में हमारी कांग्रेस पार्टी जो है वो राजनीति कर रही है, अब राजनीति का समय नहीं रहा, अब राजनीति खत्म, राजनीति शुरू हो चुकी। जमीन से उठकर काम करने वाले व्यक्तियों का समय है, जो जमीन से काम करेगा वही अपने आप को प्रूफ कर सकता है। आप राजा के बेटा राजा कैसे बन जाएगा, इस बार पब्लिक ने नकार दिया ना सबको, जितने राजा के बेटे थे सब बाहर कर दिए, प्रमोट सारे बाहर हो गए, प्रमोशन जितनी बाहर हो गई, अपने सत्ता के गलियारे में अपने ही घर के आदमी हार गए लोगों के। तो इससे बड़ी परिवर्तन की आदि कौन देखिए, आंख बंद करके आप कुछ भी बोलते रहो उससे क्या लेना देना, जाति नहीं मैटर करती अब। अब तो राष्ट्रहित में जो काम होगा वही जन आंदोलन होगा। किसी भी आदमी का ऐसा नहीं है, किसी समुदाय को ज्यादा प्यास लगती है, किसी को कम प्यास लगती है, पानी की जरूरत सबको है भैया, छत की जरूरत सबको है, वो व्यक्ति अकेला मंच से ये बात बोलता है। आज से पहले आप देखो ना, जितने बड़े बड़े नेता हुए हैं स्वार्थवादी हुए हैं, सारे अपने अपने तरीके से अपने देश को चलाने की बात करते रहे, पहला व्यक्ति ऐसा आया जो धरोहर के बिल्कुल सेंटर में खड़े होकर बोलता है कि सबका साथ सबका विकास,
और वो उस क्षेत्र में काम भी किया, ऐसा नहीं कि काम नहीं किया। 2000 अभी तो 24 है आने वाला, 2019 के बाद जो परिवर्तन की आंधी चलेगी, 2024 में इतना बड़ा जन आंदोलन आपने कभी शायद किसी और नेता के लिए नहीं देखा होगा। ये वो रिकॉर्ड बना जाएंगे कि इसके लिए दूसरे ही किसी को आना पड़ेगा, साधारण नहीं है, बहुत अलग अलग प्रकार का आवा है इनका, इतना जबरदस्त पूरा मंडल, इतना बढ़िया व्यवहार। हमारे देश के हम पहले प्रधानमंत्री देखते थे विदेशी आके, कुछ भी ऐसा लगता था हम किसी प्योन से मिलने आए हैं, वो पहली बार लगता है कि हमारा शेर जा रहा है। अब हिंदुस्तान जो इंडिया का बब्बर शेर हुआ करता था, आज वो चेहरा देखने को मिल रहा है ना हिंदुस्तान का, वो इसके कारण से। सबसे बड़ी एक और बात बताता हूँ, चलो बात ही बातों में, कि एक तरफ फलता फूलता भारत है जिसका भविष्य में अच्छा लग रहा है और उम्मीद है, उम्मीद भी बिल्कुल 100% कामयाब होगी, ये ज्योतिष घराना की भी आप प्रेडिक्शन मान लें सर। लेकिन हमारे बगल में बैठा हुआ पाकिस्तान बेचारा, उसकी जो पता नहीं कौन सी नीतियों पर चला गया, जो दिन पे दिन भुखमरी के कगार पे आ रहा है, परेशानियों के कगार पे आ रहा है, उसके झुंडा तो खुद ही है, कोई दूसरा थोड़ी होगा। तो चिंता है उसकी भी, क्योंकि जब पड़ोसी दुखी हो तो पड़ोस को भी नींद नहीं आती, अगर पड़ोस में कोई डेथ हो जाए तो रात भर रोना चिल्लाना रहे तो कैसे बता देता है। तो वहाँ ऐसे हालात हो चुके हैं, बहुत ज्यादा हालात खराब। और मेरा जहां तक मुझे लगता है कि सितंबर से पहले पहले या सितंबर के आसपास, सितंबर अक्टूबर के आसपास पाकिस्तान में बहुत बड़ा फेरबदल होगा, आप नोट कर लेना, और वो शायद उसके लिए भी अच्छा हो, उम्मीद करते हैं। जब तक मानस नहीं बदलेगा तो देश कैसे बदलेगा, यहाँ आप लोगों का मानस बदल रहा है और लोग बदले की नीति से नहीं काम कर रहे, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। अब लोग हर आदमी ईमानदारी से अपने ऊपर काम करना चाहता है और वो सरकार ऐसा एटमोसफियर क्रिएट करेगी, जो मुझे लगता है, जो मेरी सोच है और जिस हिसाब से मैं इनका वायुमंडल देख रहा हूँ और ज्योतिष गणना के अनुसार भी भारत का भविष्य ऊंचाइयों पे है और बहुत ऊंचाइयों पे। बहुत अच्छी बात है आपने ये बात बताई। तो आजकल एक जोक भी चलने में आया, मैं आपसे एक बात शेयर करूंगा, 353 सीट और 303 सीट बीजेपी जीत करके नहीं है, और 542 से अगर देखें तो 56 इंच ही निकल के आ मेरे पास भी सोच हुआ है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, फिर से 56 इंच का सीना? देखो ये हम लोग अपने एक एंटरटेनमेंट की दुनिया वो अलग से चल रही है, उसके विषय में क्या बोलना कि 56 इंच का सीना है या 57 इंच का सीना है। चलिए तो पाकिस्तान के बारे में बात जिस बात कि आदमी का जो एक नियत और नीति का फर्क होता है, सीने से फर्क नहीं पड़ता किसी का, जो मेरी अपनी सोच है वो नीति और नियत की है, अगली की नीति अच्छी है और नियत साफ है। और आप ये तो एंटरटेनमेंट की दुनिया है, मौज मस्ती करने दो, क्रिएटिविटी दिखा रही है दिखाने दो, अच्छी चीज है, लेकिन नीयत और नीति हमारे देश की अब क्लियर होती नजर आ रही है, वो हमारे लिए एक कारण। दोबारा उसी टॉपिक पे आऊंगा गुरु जी, आपने कुछ बोला कि पाकिस्तान में सितंबर अक्टूबर के टाइम में कुछ फेर बदल की आशंका, वो बेसिकली मुझे लग रहा है सर, क्योंकि शनि बकरी हो रखे हैं और कई प्लैनेट इस प्रकार की है, क्योंकि देखिए दोनों एक साथ में हुए, एक रात के एक दिन का 14-15 का फर्क है सारा, ये सारा कोई 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे में गणना में देखोगे तो बहुत बड़ा मेजर चेंज होता रहता है। तो मैं वही देख रहा हूँ कि इस बार जो भी प्लैनेट होता है, ज्योतिष कराने के माध्यम से एक बात और मैं आपको समझा दूँ, प्लैनेट कोई भी खराब नहीं होता, उन सबकी अपनी कार्यशैली है, उस तरीके के काम करते हैं। जब शनि महाराज अपने रूल्स रिवल्स पे आते हैं तो उनकी एक बहुत स्पष्ट नीति है, उनकी बहुत स्पष्ट नीति है कि न्याय करना है, न्याय संगत करना है। अब मुझे लग रहा है इस पर काफी दिनों से जिसे देख रहा हूँ सितंबर अक्टूबर से शनि महाराज न्याय करने पर आ रहे हैं, पूरी दुनिया उधेड़ के फैलते हैं, फिर दोबारा से बकरी हो गई मार गई, फिर बकरी हो गई। तो इस बार मुझे लगता है पाकिस्तान की बारी है और क्या। तो ये बताइए कि 2014 से 2019 तक जीएसटी आया, डीमोनेटाइजेशन आई, 2019 से 2024 तक क्या स्कोप में है? ये जो टैक्सेस सिस्टम है ना, आदमी को जो पहले चल रहा था वो चोरी करना सिखा रहा था, ईमानदारी टैक्सेशन है ही नहीं, हिंदुस्तान का कोई भी व्यापारी चोर नहीं है। मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि टैक्स बनाया कैसे। आप
सुविधा लेने की बारी आती है तो 130 करोड़ आदमी सारे तैयार है, लेकिन राष्ट्र के नाम खर्च करने की बारी आती है तो सिर्फ 7-8%, 10% तो टैक्स सिस्टम में ही कुछ कमी है ना। व्यापारी आपके घर में कोई चोर मोहल्ले पड़ोस में कोई कथा जागरण कीर्तन हो उसमें पैसा देता है, घर में राष्ट्रहित में कोई काम करना हो उसमें पैसा देता है, टैक्स देता है, छोटे मोटे कहीं खर्चे हो उसमें देता है, समाज के लिए कोई काम करता है, हर जगह देता आ रहा है। और फिर उसके पास एक डंडा अलग से चल रहा होता है उसके पीछे, वो जो इंस्पेक्टर राजवाला, तो सही मायने में कहीं टैक्सेशन को ठीक करने की जरूरत है, अभी भी बहुत जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि कोई देश में कोई भी व्यक्ति, मुझे लगता है जो सबसे गरीब इंसान है वो भी टैक्स देने की ताकत रखता हो, ऐसा मेरा देश हो जाए मैं मानता हूं, और हो जाना चाहिए हर आदमी। जब हम हमारे यहाँ तो एक बड़ी सनातन परंपरा है कि मावसव पूर्णिमा ब्राह्मण को भी जिमाते हैं, अलग से जिमाते हैं, तुम देश के हित में क्यों नहीं खर्च कर सकते? गरीब से गरीब आदमी भी अपना आठनी चौनी भी निकाल के देगा तो देश के पास पैसे की कमी नहीं है। यहाँ तो अभी तक तुमको समझाया ही नहीं गया कि तुम अपनी नियत से और नीति से चलो ठीक से। तो टैक्सेशन सिस्टम पे अभी मुझे लगता है कि अभी काम होना बाकी है, और आदरणीय मोदी जी इस विषय पर विशेष करके ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उनका जो टारगेट था उसके बाद टैक्स बढ़ा है लोगों का, उन्होंने जीएसटी लाए, उन्होंने टैक्सेशन सिस्टम को किया 5 लाख का स्लैब कर दिया, तो इससे टैक्स बढ़ा है ना इनका जी, रेवेन्यू काफी इकट्ठा हुआ। यही देश था जो उससे पहले 2014-15 में रोता ही रहता था पैसा ही नहीं है पैसा ही नहीं है, आज की डेट में करोड़ों अरबों रुपए के कहते हैं, रोज प्रोजेक्ट साइन हो रहे हैं, लोग एडवांस दिए जा रहे हैं, लोग काम हो रहे हैं, कोई काम रुक भी नहीं है जी बिल्कुल। तो जिस दिन इस देश का टैक्सेशन सिस्टम और अच्छा हो गया, हेल्दी हो गया, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पैसा देने में कोई कमी करेगा। व्यापारी तो फंस के पैसा देने वाला है, वो कमाता है और कमाता है तो देता भी, जिम्मेदारी निभाने से कोई पीछे नहीं हटने वाला, और ये इलेक्शन में तय कर दिया लोगों ने कि आप राष्ट्र के लिए काम करो हम आपके लिए साथ। ये तो बहुत अच्छी बात है आपने बताई, और आशा करते हैं कि मोदी जी ने जिस हिसाब से पिछले 5 सालों में विदेश नीति को अपने आगे बढ़ाया, भारत की विदेश नीति को पूरा चेंज किया, और इन 5 सालों में भी विदेश नीति में बहुत चेंजेस देखने को मिले हैं। चेंजेस विदेश नीति में चेंजेस नहीं है, विदेश नीति तो वैसे ही, हमारे यहाँ तो वासुदेव कुटुंबम करके व्यक्ति हैं, हम तो पूरे दुनिया को अपना घर मानते हैं। अगर आप यही खर्च के अगर विदेश बोलते हो तो गलत है ना, हम तो हर जन जन, हमारी एक परंपरा ऐसी है जो हमारे देवताओं ने भी अपने जानवरों को भी पूजा है, गणेश जी ने चूहे महाराज को पूज लिया, भगवान शिव ने कहते नंदी को पूज लिया, माता ने शेर को, हर खूंखार से खूंखार जानवर हमारे लिए पूजनीय है, और हर सरल से सरल इंसान हमारे लिए पूजनीय है। हमारी सनातन धर्म की जो पद्धति है वो तो सबको साथ लेके चलने वाली है, तो इसलिए विदेश नीति तो मोदी जी ने जो तय किया वो वासुदेव कुटुंबम करके उसको काम किया, ना कि वो स्पेशल कोई अलग से कोई नीति अपनी बना के लाए। हाँ, उन्होंने अपने देश की जो चीजें थी इनके अंदर जो हमारी अच्छाई है उनको दिखाई है, जो आज तक छुपी हुई थी उनकी नजरों से वो बता दी, और आज उनको पता है कि राष्ट्रहित में जो काम हो रहा है उनकी नीयत अच्छी है, इसलिए वो लोग भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गए, डेवलपमेंट की हर तरफ बातें होने लगी। बिल्कुल सही बात है गुरु जी। एक छोटा सा सवाल मेरे दिमाग में निकल करके आ रहा है, जो आपने पीछे बात छेड़ी पाकिस्तान को लेकर के, मेरे दिमाग में बात घूम रही है बहुत ज्यादा। आप कह रहे हैं सितंबर अक्टूबर में कुछ चेंजेस है, भारत क्या रोल प्ले करेगा उन चेंजेस में, और आप क्या कहते हैं कि इमरान खान जो प्रधानमंत्री बने बैठे हैं उधर, क्या उनकी गद्दी परिवर्तन होगी और भारत का क्या रोल रहेगा उन चेंजेस के अंदर? देखिए, मैंने इतनी बारीकी से नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता है कि वो मेजर चेंजेस होने वाला है। दूसरे नंबर, भारत क्या रोल प्ले करेगा? भारत एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रख रहा है, हमारे पड़ोसी देशों को भी उस स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा, स्पष्ट नीति होगी, कोई धोखेबाजी नीति नहीं हो सकती हमारे देश के अंदर कि आप कुछ बोलोगे कुछ होगा, ये होगा नहीं। और कंडीशन ये कि हमारी जो भारत की कुंडली है इस वक्त वृष लगन और चंद्रमा की महादशा चल रही है, उसमें गुरु का अंतराल है, गुरु हमारे 8th और 11th का मालिक 6 में है, तो गुरु के अंदर तो एक तो स्वावलंबी बनना तय है, अपने पैरों पे पूरी तरह से मजबूत, हर चीज हर प्रोडक्ट अपने यहाँ तैयार होगा, एक तो ये तय है। दूसरा, विदेशों से आयात निर्यात में हमारा माल बल्कि ज्यादा जाएगा, हम पहले ज्यादा लेते थे बल्कि देंगे उल्टा, ऐसी भी सिचुएशन आ जाएगी। तीसरा, फंड्स की कंडीशंस में हमें नहीं लगता कि कहीं कोई हमें पैसे को लेकर हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग होती जाएगी ऐसा लगता है, क्योंकि उसमें चल रही है।
चंद्रमा थर्ड हाउस का मालिक है, चंद्र उसी के अंदर बैठे, तो निरंतर कार्य करने की जो शक्ति है वो भी हमारे देश के अंदर बनी है, रात दिन काम करने की शक्ति बनी है, तो इसी से इनको हमारे पूरे देश को लाभ ही होने वाला है इसमें क्या। और शुक्र इसमें अंतराल में है, जून तक है, और उसके बाद में फिर वो छोटी छोटी दशाएं चलती रहेगी, लेकिन मेजर में तो अभी 2019 दिसंबर तक तो गुरु ही है, और उसके बाद में शनि महाराज आ जाएंगे, फिर जैसे ही उसके बाद वो जो पाकिस्तान की कुंडली है वो हिंदुस्तान की लगभग वैसी ही है, बड़ी मेजर उसमें देखोगे तो, लेकिन उसके जब 24 घंटे के जो अंतराल का डिफरेंस है ना, वो उसको तंग कर रहा है। एक्चुअली पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो राष्ट्र पे मेन सीट पे आता है ना, वो झूठ बोलने लग जाता है, वो झूठ की दुनिया में चलता है, एक होता है ना एक ख्वाबों की दुनिया में जी रहा है, वो रात को एक ख्वाब देखता है, सुबह सोचता है वो सच हो गया, वो नहीं होता, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे वो थोड़े कम है। जिस दिन वो इस तरीके से काम करने लग जाएंगे, उनके यहाँ भी वो कोई चेंजेस आएंगे, वो भी कोई ना कोई नरेंद्र मोदी वहां पे भी आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जैसा आपने कहा और जो प्रेडिक्शन आपने बताई है इस बारे वो एकदम सटीक साबित है, और अगर ऐसा ही हो और मोदी जी हमारे देश को और आगे लेकर के जाए और तरक्की को बुलंदियों में लेकर के जाए, आपसे एक बार दोबारा मिलूंगा कुछ समय के बाद, फिलहाल आपसे आगे चाहूंगा। जरूर जरूर जरूर, धन्यवाद।